नमस्ते। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट पर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तव में क्यों इतनी ऑस्पिशियस है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ से आने वाली एनर्जीज और ईस्ट से आने वाली एनर्जीज, यानी कि जैविक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा मिलती हैं और यहाँ से फार अल्ट्रावायलेट रेज आती है। इसीलिए ये डायरेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को इसीलिए कहते हैं कि खुला रखना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, यहाँ पर लाइट होनी चाहिए, यहाँ पर खिड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ होने से यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो घर में होता है। जिन लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट ओपन होता है, उनके माइंड में क्लैरिटी होती है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता और वो क्विक डिसीजंस लेते हैं, प्रोस्पेरिटी आती है। इस तरह नॉर्थ में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चीजें और होनी चाहिए। नॉर्थ में सिर्फ एक ही चीज अगर ये कहें कि जल तत्व होना चाहिए, मींस अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, कोई पानी का झरना हो सकता है, पानी हो सकता है, किसी भी तरह का ये चीजें, या फिर मंदिर हो सकता है, तो ये चीजें जो है नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। और इसके अपोजिट जो है स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए और बाथरूम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो ब्लॉक होती है। अब मेन बात है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और क्या चीजें आपको दे सकता है। जैसे कि अगर किसी के घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, तो वहां पर आप जल रखें, मींस आप पानी का मटका, पानी का बर्तन, किसी भी चीज में आप रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के समय वो पानी चार्ज होता है, जो कि आप उसे अगले दिन सुबह पानी पिलाएं किसी भी बीमार व्यक्ति को, आप देखेंगे कि वो कितनी जल्दी हील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मेडिसिन रख सकते हैं नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रख सकते हैं, जिससे भी जल्दी इफेक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कलर लाइट होना चाहिए। अगर यहाँ पर विंडोज भी हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देखेंगे विंडोज हैं और बिल्कुल लाइट कलर है, सोफा है लाइट कलर है, यहाँ पर बहुत ही सूदिंग कलर होना चाहिए, क्रीम कलर होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, जो कि वहां पर मैक्सिमम एनर्जी देते हैं।